Yes, dear students, I believe you will be fine and enjoying good health. Today, our lecture number 10, how to add inventory and services in QuickBooks. आज हम inventory को और services को QuickBooks में add करेंगे. So, आइए हम आज के lesson का आगाज एक अच्छे motivation quote से करते हैं. Education is the key to success in life. Education एक ऐसी key है जिससे आप जिंदगी में सक्सेस हासिल करते हैं, जिसके जरिए से सक्सेस आती है. एंड टीचर्स मेक अ लास्टिंग इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स. सलमान ऑर्टिस ने लिखा है. इट्स वेरी मोटिवेशनल कोर्स. सो आज के जो आउटलाइंस हैं, इन्वेंट्री एंड सर्विसेज ऐड इन क्विक बुक्स, लिस्ट मेन्यू के जरिए से, वेंडर मेन्यू के जरिए जिसमें इन्वेंट्री एक्टिविटीज के जरिए से, और यूजर इंटरफेस में चार्ट्स ऑफ अकाउंट का जो सात ऑप्शन है उसके ज़रिए से हम कर सकते हैं. तो आइए हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं एटम्स. फिर हम यहाँ से लिस्ट में से जाके आइटम लिस्ट के ज़रिए से कर सकते हैं. फिर हम वेंडर में जाके इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, न्यू आइटम्स के ज़रिए से यहाँ से कर सकते हैं. सो मल्टीपल वेज हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री पार्ट, इन्वेंट्री असेंबली, नॉन इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स, अदर चार्जेस, सब टोटल, ग्रुप डिस्काउंट और पेमेंट्स, कई तरह के ऑप्शंस अपीयर हैं जिनको हम बारी बारी सीखेंगे, उनके मुतलक, इनके यूसेज के मुतलक सीखेंगे. सो आज हम खसूसन इन्वेंट्री और सर्विसेज के हवाले से देखेंगे इन्वेंट्री को कैसे ऐड करना है. हमने सबसे पहले टाइप को सिलेक्ट करना है. टाइप में हमने सपोज करें हमने मोबाइल को सिलेक्ट किया. अगर इसकी कुछ फर्दर इसकी सब क्लासिफिकेशन है तो हम वहाँ ऐड कर सकते हैं. सपोज करें कि मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ सब, इसमें से सब आइटम अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं. यानी मोबाइल में फर्दर आप उसमें कोई भी फर्दर कंपनीज हैं सपोज करें उसमें कर सकते हैं, का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम कॉस्ट करेंगे, कॉस्ट को एंटर करेंगे. सपोज करें हम मोबाइल है 10,000 का, उसकी कॉस्ट है, और आप इसको सेल कर रहे हैं 15,000 में, तो आप उसकी 15,000 सेल प्राइस रखेंगे. यहाँ मार्कअप भी बता रहा है, ये देखें कि मार्कअप भी 15 पॉइंट और मार्जिन 33.33% आ रही है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑटो ही आपका अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे आपने इनकम का देना है. सो हम यहाँ इनकम के अकाउंट को ऐड करेंगे मोबाइल के नाम से. ऐड न्यू में जाएंगे और मोबाइल के अकाउंट को ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे. और जितना भी डाटा जब हम मोबाइल का करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डाटा 10,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें चला जाएगा, और सेल का डाटा 15,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से उधर चला जाएगा. अगर ऑन हैंड आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है तो आप एंटर कर सकते हैं, उनकी टोटल वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं. यहाँ पे ऑटो इन्वेंट्री एसेट्स ऑटो ही सिलेक्ट हो जाता है. सो हम इसको करेंगे ओके. और देखने के लिए हम आइटम और सर्विसेज में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एंटर हो चुकी है. अगर हम दूसरे मेथड से देखें कि एड एडेड मल्टीपल आइटम्स, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और जितने चाहे हम फॉरेन इन्वेंट्रीज को ऐड कर सकते हैं. सपोज करें यहाँ पे हमें बार बार उसमें से जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने और आइटम ऐड करके देखते हैं. सपोज करें हम ऐड करते हैं मोबाइल, हमने कर लिया, एलसीडी कर ली है, लैपटॉप को हम लैपटॉप को करते हैं, लैपटॉप को किया. इसमें इसकी कॉस्ट प्राइस हम कोई भी रख देते हैं,
20,000, सेल प्राइस को हम 25,000 रख देते हैं। अब प्रेफर्ड वेंडर में अगर हम प्रेफर्ड वेंडर ऐड करना चाहेंगे जिसके पास से हम इसको बाय करेंगे, कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। इसको यहाँ पे हम इसका इनकम अकाउंट ऐड करेंगे, लैपटॉप, ठीक है, सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम एक और आइटम को ऐड करते हैं, सपोज करें वॉशिंग मशीन, इसको एक नया अकाउंट ऐड करेंगे, वॉशिंग मशीन, सेव एंड क्लोज करेंगे। अब हम एक सर्विस का अकाउंट को ऐड करेंगे, आइटम में जाएंगे और सर्विस को ऐड करेंगे। सर्विस में सपोज करें हम डिलीवरी सर्विस देते हैं और उसके चार्ज करेंगे उनसे, सपोज करें हम एक रीजनेबल अमाउंट 500 चार्ज करते हैं और इसके लिए हम एक सर्विस का अकाउंट जनरेट करते हैं, सर्विस इनकम, डिलीवरी सर्विस इनकम, सर्विस। सो ये हमारा एक सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया, इसको हम ओके करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो सेव नहीं हुए थे, इसलिए वो अब सेव के बगैर क्लोज हो गया, इसलिए जो आइटम्स हमने मल्टीपल्स में की थी वो ऐड नहीं हुई। सो हम होम में जाएंगे और दोबारा से हम आइटम और सर्विसेज में जाके देख सकते हैं कि हमने आज आइटम और सर्विस को ऐड करना सीख लिया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड गिव योर फीडबैक थ्रू कमेंट सेक्शंस। थैंक्स अगेन।